नमस्कार। आज हम बनाएंगे छोला भटूरा। छोला भटूरा बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और ये बहुत आसानी से भी बन जाते हैं घर में। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम मैदा लिया है। ये एक कटोरी छोले थे, ये मैंने रात 3-4 घंटे भिगो कर रखे हैं। तो देख रहे हैं आप, फूल करके जस्ट डबल हो गए हैं। और तेल है, एक कटोरी दही लिया है। ये दही मैंने छोले में भी पड़ेगी और हमारा आटा, जो भटूरे का आटा जो बनाएंगे हम, उसके गूंदने के भी काम आएगी। थोड़ी सी एक चम्मच मलाई ली है मैंने, फ्रेश मलाई है। ये गरम मसाला है, थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है। और इसमें हमने लहसुन और प्याज नहीं डाले हैं, तो मैंने मसाले जो इसकी जो ग्रेवी बनेगी छोले की, इसके लिए मैंने सिर्फ टमाटर, 4 से 5 टमाटर लिए हैं, 4 से 6 काली मिर्च हैं, 3 से 4 इलायची हैं, सौंफ है, 2 हरी मिर्च हैं। इन सबका हम पेस्ट बनाएंगे। और मसालों में हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधी छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कसूरी मेथी है और तेजपात पत्ता लिया है, जीरा है। तो सबसे पहले हम मैदा भटूरे की जो ये आटा है इसको गूंद कर तैयार करते हैं। इसको गूंदने के बाद इसको कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटे तक रखना पड़ेगा। तो हम पहले भटूरे का आटा बनाएंगे। जैसे कि ये हमने मैदा ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। और ये जो दही है, 3 चम्मच दही डालेंगे, 3 से 4 चम्मच तक हम डाल सकते हैं इसमें। और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। एक इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा जगह बनाएंगे। आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है। और ये इनो का आप 1 चम्मच इनो पाउडर, इनो साल्ट, एक चम्मच है ये पूरा, इसमें डाल सकते हैं, डालेंगे। और इसको एक नरम आटा गूंदेंगे। थोड़ा सा हम आधा छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा छोटा चम्मच बस। और एक थोड़ा सी पानी की सहायता से नरम आटा गूंद कर तैयार करेंगे। ये आटा हमारा देखिए इस तरह से हमें ये ऐसे इसको बिल्कुल मुलायम करना है। इसको मुलायम करेंगे इस तरह से। तो देख रहे हैं आप, एकदम जैसे चपाती का आटा होता है इतना मुलायम, हमें इसको इतना ही गीला रखना है और इतना ही मुलायम रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और एकदम पतला भी नहीं। इसको इस तरह से हमें चिकना करना है। ये देखिए इस तरह से मलना है इसको। तो ये देखिए आटा हमारा, ये ऐसे हम हाथ से करेंगे तो ये वापस ऊपर की तरफ आते हैं। इसको
जैसा कि मैंने बताया, इसको भून करके हमें 1 से 1.5 घंटे तक के लिए रखना पड़ेगा। तो हम इसे रख देती हूँ मैं, जिससे हमारा आटा जो है ये फूल कर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हम चिकना हाथ करेंगे, और इसको इस तरह से हमें चिकना करेंगे और ढक करके रख देंगे। ये हमने आटा, भटूरे का आटा हमने बनाकर रख दिया है। इसी बीच अब ये हमने, ये छोले हैं उनको मैंने धोकर के साफ कर लिया है। अब हम इनको कुकर में डालेंगे और 1 से 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक उबालने के टाइम, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इनमें बॉईल होने रखते हैं इनमें। तो ये मैंने इसमें नमक और हल्दी और 1.5 ग्लास के लगभग पानी डाल दिया है, और अब हम इसे बॉईल करने रख देते हैं। गैस ऑन करेंगे और 1 सीटी आने तक गैस को फुल रखेंगे, और फिर 1 सीटी आने के बाद में 15 से 20 मिनट तक हम सिम गैस पर ही इनको बॉयल होने देंगे, जिससे हमारे जो छोले हैं एकदम सॉफ्ट, एकदम आसानी से बहुत ही मुलायम वाले जो हैं वो बॉयल हो जाएंगे। तो ये हमने छोले रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। अब हम इनकी ग्रेवी के लिए ये मैं सभी मसालों को मिक्सी में पेस्ट बनाऊंगी। हमने टमाटर, लौंग, काली मिर्च, सौंफ, इलायची और जीरा, इन सबको मिक्स करके मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। और ये हमारे छोले भी बॉयल हो चुके हैं, तो ये भी देख लेते हैं। ये छोले हमारे एकदम गल चुके हैं अच्छे से, ये गल चुके हैं। तो अब हम इनको तड़का लगाएंगे, इसके लिए हम थोड़ा कढ़ाई में तेल छोड़ेंगे। गैस को कम करेंगे, तब तक हमारा तेल गर्म होता है। हमने जो ये कॉफी पाउडर है, मैं इसका पानी बॉईल करती हूँ। तो एक भगोने में, छोटे भगोने में पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 कप, और ये कॉफ़ी जो पाउडर है इसमें इसका पानी देते हैं। जब तक ये बॉयल होता है हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो ये सभी हैं मसाले। सबसे पहले ये तेज पत्ता, और धनिया, सबको हल्का से फ्राई करेंगे। और जो ये पेस्ट बनाया है इसको थोड़े से धीरे से सभी को अच्छी तरह से गैस को तेज करेंगे, और सबको अच्छी तरह से मसाले को भुनेंगे। जब तक हमारा मसाला एकदम तेल नहीं छोड़ देता, तब तक हम इस मसाले को भुनेंगे। इधर आइए, हमारा जो कॉफ़ी का पानी है इसको भी बॉयल करने, बॉयल होने देंगे, और फिर छान करके हम इसी में मिक्स करेंगे इसको। ये हमारा मसाला भुनकर तैयार हो गया है। ये टमाटर की ग्रेवी है, तो इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो
इसमें अब हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक, नमक आप टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हमने जब छोले उबाले थे हमने तब भी डाला था, तो अभी थोड़ा सा ही डालेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब इसमें गैस को कम करके हमने जो ये दही है चम्मच से फेंट लिया है, इसको इसको भी मिक्स करेंगे इसमें। क्योंकि दही जब डालेंगे तो गैस को धीमा ही रखेंगे, नहीं तो जो हमने जो दही डाली है वो हमारी फट जाती है। और ये जो मलाई है इसको भी चलाएंगे तब तक हमारे जो मसाले से जो है तेल ऊपर नहीं आ जाता है, तो इसको लगातार हिलाते रहेंगे तब तक हमारा मसाला भून चुका है। तेल भी देखिए आप ऊपर आ गया है इसमें, तो ये जो मैंने कॉफी का पानी जो बॉईल किया था, एक कप कॉफी का पानी, ये इसको मैं इसी में डाल दूंगी और इसको बॉईल करेंगे। इससे जो है हमारे छोलों का स्वाद भी अच्छा बनता है और थोड़ा कलर भी बहुत अच्छा आता है इससे, तो इसको बॉईल होने देंगे। और जो हमारे इसमें छोलों में जो पानी है हम इसको भी यूज कर सकते हैं इसी में, ये हम सारे छोले इसी में डालेंगे। छोले डाल दिए, डाल करके इसको 2 से 3 मिनट तक गरम मसाला डाला और धनिया पत्ता भी डालकर थोड़ा सा अंदर डाला है, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखा है। तो अब इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ढक करके, इसके बाद हमारे छोले तैयार हैं। हमारे छोले एकदम रेडी हैं, ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत टेस्टी भी बने होंगे। तो छोले तो हमारे रेडी हुए, तो गैस करते हैं बंद और अब हम भटूरे की तैयारी के लिए करते हैं। उसके लिए हम हमारे भटूरे का आटा एकदम रेडी हो चुका है, इसको मैंने गूंदने से 1-1.5 घंटा हो चुका है इसको और ये एकदम रेडी हो चुका है। देखिए ये हमारा फूल के वापस आ रहा है, तो अब हम भटूरे बनाएंगे। ये मैंने पैन में तेल गर्म करने रख दिया था, गरम हो चुका है, तो अब हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, तेल का हाथ चिकना करके, नहीं तो थोड़ा सा मैदा या आटा भी ले सकते हैं। इसके इसे लोइयां बनाएंगे और मैं ये तेल से ही थोड़ा सा चिकना करती हूँ इसको। देखिए इसको बेलेंगे हम, इस तरह से हमें टूरा थोड़ा बेल रहा है और इसको थोड़ा सा हाथ की सहायता से हम इसको इस तरह से बड़ा करेंगे। देखिए तो थोड़ा सा आप तेल देखते हैं, हम अपना गर्म हो चुका है तेल में, अभी थोड़ा सा और तेज गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है हमारा, तो हम इसमें भटूरा आराम से छोड़ेंगे और इसको कलछी की सहायता से दबा करके सेकेंगे। ये देखिए ये, और इसको पलट देंगे दोनों तरफ से, जब तक ये सिकता है हम दूसरा भटूरा अपना तैयार करते हैं।
इसको भी इसी तरह से लोइयां बनाएंगे और इसी तरह से हम इसे भी तलेंगे। इसको निकाल लेते हैं। से भी हल्के से दोनों तरफ से हम भटूरे को कलछी की सहायता से तो देखिए हमारे भटूरे तैयार हैं और छोले भी बन चुके हैं। अब इन्हें करेंगे मैं अब इनको तो देखिए हमारे छोले और भटूरे एकदम रेडी हैं। देखिए मैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। तो आप बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे बताइए।